हर हालत में रुक नहीं होगा, ये भी नहीं हारूंगा। बस बहुत हो गया, मैं पहुंचाऊंगा। मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फाइनली दोस्तों, साउथ सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कालकी 2898 एडिट थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां पे इस फिल्म के सेकंड ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें जबरदस्त वीएफएक्स सीन्स देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इन्हीं सभी के बीच इस फिल्म के प्री रिलीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी अपडेट सामने आई है। तो आज की इस वीडियो में इसी फिल्म के रिलीज से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कालकी 2898 एडी अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कमाल हसन लीड रोल में नजर आएंगे, जहां पे कमाल हसन विलन के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा और एक्शन के साथ साथ इस फिल्म का वीएफएक्स भी जबरदस्त होने वाला है। और यही वजह है कि यह एक बिग बजट मूवी होने वाली है, जहां पे सुनने में आया है कि इस फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास होने वाला है। अब देखना होगा यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल दिखा पाती है। अभी हाल ही में इस फिल्म के सेकंड ट्रेलर को रिलीज किया गया है, जहां पे हमें जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिल रहा है। वहीं अब इन सब के बीच फिल्म से जुड़े एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि है इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस से जुड़ी। रिपोर्ट्स की माने तो कालकी के बॉक्स ऑफिस राइट्स 385 करोड़ रुपए में बिके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म कालकी 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही 385 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, जो कि किसी भी फिल्म के लिए हाईएस्ट प्री रिलीज बिजनेस होने वाला है, जहाँ पे इस फिल्म ने सिर्फ आंध्रा में 85 करोड़ रुपए के राइट्स बेचे हैं। वहीं सीडेड के राइट 27 करोड़ में और निजाम के राइट 70 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। इस तरह से फिल्म का कुल एटीपीएस बिजनेस 182 करोड़ के आसपास हुआ है। वहीं फिल्म ने रिलीज से पहले ही तमिलनाडु में 22 करोड़ और कर्नाटका में 30 करोड़ के राइट्स बेचे हैं। नॉर्थ इंडिया में फिल्म के राइट्स 80 करोड़ रुपए में बिके हैं, वहीं ओवरसीज में ये राइट 70 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। इस हिसाब से फिल्म ने टोटल 385 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, जिससे यह कंफर्म हो रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फुल ऑन तबाही मचाने वाली है। वहीं अब बात करें इस फिल्म के रिलीज की, तो यह फिल्म इसी महीने 27 जून को पैन इंडिया थिएटर्स में रिलीज होंगी, जहां पे इस फिल्म को तेलुगु तमिल के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा और यह फिल्म हम लोग को हिंदी में डायरेक्ट थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इस फिल्म के रिलीज से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट। आप क्या इस फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।